विकास सिंह एक मिडिल क्लास स्कूल में मामूली से टीचर है, लेकिन सोच बहुत दूर की और ऊंची है। वो अपने स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं ताकि उनके बच्चे बड़े होकर अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ सके। विकास सिंह की पत्नी एक सीधी साधी घरेलू औरत है। सुबह से शाम तक घर के कामों या सास के तानों से जूझती रहती है। विकास सिंह उसको हिम्मत दिलाते रहते हैं कि एक दिन हमारे बच्चे बड़े होकर बहुत तरक्की करेंगे, फिर उनकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बेटा, अब पूजा 6 साल की हो गई है, कम से कम एक बेटा तो होना ही चाहिए। मैं पोते का मुंह देख लूं तो चैन से मर जाऊं। माँ, कैसी पुराने जमाने वाली बातें करती हो। आजकल लड़के और लड़की में कोई अंतर रह गया है क्या? मेरी क्लास में सबसे होशियार लड़कियां हैं, बहुत मेहनत करती हैं। हमारी पूजा और पायल भी इतनी अच्छी बच्चियां हैं, इनके होते हुए बेटे की क्या कामना करनी। अरे बेटा, तू तो बस अपनी बीवी के कहने में रहता है, जो उसने कह दिया वही पत्थर की लकीर हो गई। माँ, कैसी बातें कर रही हो। पद्मा बेचारी तो सारा दिन गधे की तरह घर के काम काज में लगी रहती है, और या फिर आपकी जलीकटी सुनती रहती है। हर समय उसकी जान को क्यों दोष देती रहती हो। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, अब मैं क्या करूं? पड़ोस की कांता बड़ा अपने आप को महारानी समझती है, उसके दो दो पोते हैं। हाँ माँ, तो होने दो, उसके बेटे वो जाने। हम तो अपनी दो बेटियों से बहुत खुश हैं, अब हमें तीसरे बच्चे की कोई इच्छा नहीं है। तुम्हारा तो किताबों को पढ़ पढ़ के दिमाग खाली हो गया है, दुनिया का कुछ पता ही नहीं। मुझे क्या, खुद पता चलेगा जब बूढ़े हो जाओगे और कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा। दादी माँ, क्यों नहीं होगा, हम हैं ना। आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ लड़की ही देखभाल करते हैं? तुमने अपनी माँ को देखा है, साल में एक बार 15 दिन के लिए अपने माँ बाप के पास जाती है। दादी, अगर नाना नानी ने माँ को पढ़ाया होता तो वो भी आज एक इंडिपेंडेंट औरत होती और पूरे दिन चुपचाप आपकी जली कटी न सुनती। माँ को देखा देखी अब बेटियों का भी दिमाग आसमान छूने लगा। अपने बाप को पट्टी पढ़ाना तुमने अपनी माँ से सीखा है। माँ, ऐसी बातें क्यों करती हो, कभी तो पद्मा को बुरा भला कहना छोड़ दो। अब उसकी बेटियाँ बड़ी हो गई हैं और वो अपनी माँ की ये दुर्दशा नहीं देख सकती। मैं आपसे सदा कहता रहता हूँ, मगर आपको कुछ समझ में नहीं आता। देखो जी, माँ इतनी जली कटी बातें करती हैं, मैं तो अब थक गई हूँ। भगवान ने भी बेटियाँ दी हैं, एक बेटा होता तो शायद कुछ खुश होती। अरे क्या बात करती हो, माँ तो फिर भी कुछ ना कुछ कहेगी ही, और हमको बेटा नहीं चाहिए। हमारी ये दो बेटियाँ ही पल जाएं और पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो माँ को आप ही समझाएं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, माँ की बात मत सुना करो, और अगर वो चुप ना हो तो उनको जवाब दे दिया करो। तुम चुप रहती हो इसीलिए वो बोलती हैं। पूजा को पढ़ाई में और पायल को वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार मिलता है। हमारी बेटियाँ कितनी सुंदर लग रही है ना जी। सुंदर हो ना हो, सुशील जरूर है, बस ये हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे। हमारी बेटियाँ हमारे लिए कितने गौरव का प्रतीक है। न जाने क्यों लोग बेटों का सपना देखते रहते हैं और इतनी होनहार बेटियों को बिना जन्मे ही कोख में सुला देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मर्दों और औरतों को। आपके अनुसार मौका दिए जाने पर क्या बेटियां बेटों से भी आगे निकल सकती हैं? बेटा हो या बेटी, दोनों को ही अगर एक समान परवरिश दी जाए तो दोनों ही सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। विकास सिंह एक मिडिल क्लास स्कूल में मामूली से टीचर है, लेकिन सोच बहुत दूर की और ऊंची है। वो अपने स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं ताकि उनके बच्चे बड़े होकर अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ सके। विकास सिंह की पत्नी एक सीधी साधी घरेलू औरत है। सुबह से शाम तक घर के कामों या सास के तानों से जूझती रहती है। विकास सिंह उसको हिम्मत दिलाते रहते हैं कि एक दिन हमारे बच्चे बड़े होकर बहुत तरक्की करेंगे,
फिर उनकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बेटा, अब पूजा 6 साल की हो गई है, कम से कम एक बेटा तो होना ही चाहिए। मैं पोते का मुंह देख लूं तो चैन से मर जाऊं। माँ, कैसी पुराने जमाने वाली बातें करती हो। आजकल लड़के और लड़की में कोई अंतर रह गया है क्या? मेरी क्लास में सबसे होशियार लड़कियां हैं, बहुत मेहनत करती हैं। हमारी पूजा और पायल भी इतनी अच्छी बच्चियां हैं, इनके होते हुए बेटे की क्या कामना कर रही। अरे बेटा, तू तो बस अपनी बीवी के कहने में रहता है, जो उसने कह दिया वो ही पत्थर की लकीर हो गई। हाँ माँ, कैसी बातें कर रही हो। पद्मा बेचारी तो सारा दिन गधे की तरह घर के काम काज में लगी रहती है, और या फिर आपकी जलीकटी सुनती रहती है। हर समय उसकी जान को क्यों दोष देती रहती हो। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, अब मैं क्या करूं? पड़ोस की कांता बड़ा अपने आप को महारानी समझती है, उसके 2 पोते हैं। हाँ माँ, तो होने दो, उसके बेटे वो जाने। हम तो अपनी 2 बेटियों से बहुत खुश हैं, अब हमें तीसरे बच्चे की कोई इच्छा नहीं है। तुम्हारा तो किताबों को पढ़ पढ़ के दिमाग खाली हो गया है, दुनिया का कुछ पता ही नहीं। मुझे क्या, खुद पता चलेगा जब बूढ़े हो जाओगे और कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा। दादी माँ, क्यों नहीं होगा, हम हैं ना। आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ लड़की ही देखभाल करते हैं? तुमने अपनी माँ को देखा है, साल में 1 बार 15 दिन के लिए अपने माँ बाप के पास जाती है। दादी, अगर नाना नानी ने माँ को पढ़ाया होता तो वो भी आज एक इंडिपेंडेंट औरत होती और पूरे दिन चुपचाप आपकी चली कटी न सुनती। माँ को देखा देखी अब बेटियों का भी दिमाग आसमान छूने लगा। अपने बाप को पट्टी पढ़ाना तुमने अपनी माँ से सीखा है। माँ, ऐसी बातें क्यों करती हो, कभी तो पद्मा को बुरा भला कहना छोड़ दो। अब उसकी बेटियाँ बड़ी हो गई हैं और वो अपनी माँ की ये दुर्दशा नहीं देख सकती। मैं आपसे सदा कहता रहता हूँ, मगर आपको कुछ समझ में नहीं आता। देखो जी, माँ इतनी जली कटी बातें करती हैं, मैं तो अब थक गई हूँ। भगवान ने भी बेटियाँ दी हैं, एक बेटा होता तो शायद कुछ खुश होती। अरे क्या बात करती हो, माँ तो फिर भी कुछ ना कुछ कहेगी ही, और हमको बेटा नहीं चाहिए। हमारी ये 2 बेटियाँ ही पल जाएं और पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो माँ को आप ही समझाएं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, माँ की बात मत सुना करो, और अगर वो चुप ना हो तो उनको जवाब दे दिया करो। तुम चुप रहती हो इसीलिए वो बोलती हैं। पूजा को पढ़ाई में और पायल को वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार मिलता है। हमारी बेटियां कितनी सुंदर लग रही है ना जी। सुंदर हो ना हो, सुशील जरूर है, बस ये हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे। हमारी बेटियां हमारे लिए कितने गौरव का प्रतीक है। न जाने क्यों लोग बेटों का सपना देखते रहते हैं और इतनी होनहार बेटियों को बिना जन्मे ही कोख में सुला देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मर्दों और औरतों को। आपके अनुसार मौका दिए जाने पर क्या बेटियां बेटों से भी आगे निकल सकती हैं? आप बेटा हो या बेटी, दोनों को ही अगर एक समान परवरिश दी जाए तो दोनों ही सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं।